हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। साइंस गुरु के अंदर हमारी जो आज की वीडियो है, इट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, एंड ये हमारा सेकंड आ रहा है पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया था व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, एंड हमने उस वीडियो में एक लेक्चर हुआ था दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड excretion. So let's start the topic, and before starting the video I would say कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल साइंस गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक क्या करो, शेयर। So let's start the topic, that is respiration. So जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि आपको देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड टू रिलीज द एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, इट रिएक्ट विद द ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। तो ये जो एनर्जी निकलती, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है वो क्या, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी की होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये यहाँ पे लिख रखी है। और जो एडीपी होता है उसकी होती है एडिनोसाइन, सेम है लेकिन यहाँ पे टू है तो यहाँ पे लगाएंगे डीआई फॉस्फेट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी? एटीपी की होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड एडीपी की होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक एंड द अदर वन इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इट अकर्स इन द ऑक्सीजन। मतलब जो अगर ऑक्सीजन में होती है रेस्पिरेशन तो उसको कहते हैं एरोबिक, और अगर एब्सेंस में ऑक्सीजन की होती है, मतलब ऑक्सीजन अगर होगी तो उसे बोलेंगे एरोबिक, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो जो रेस्पिरेशन होती है उसको कहते हैं एनारोबिक। सो जो एरोबिक होती है वो आपकी किसमें होती है? इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। मतलब एरोबिक में एनर्जी का जो अमाउंट निकलता है वो हायर निकलता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी एक्चुअली में क्या है, इसकी आपको आपको मेन चीज क्या रखनी है, याद ये रखनी है कि ये रिएक्शन किसमें होती है और इसमें इस रिएक्शन के अंदर क्या कुछ होता है। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन की क्या करती है, रिएक्शन, और ये होती है इसमें इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे ऑप्शन में अगर साइटोप्लाज्म भी लिखा है तो इट इज आल्सो राइट। ओके, देखो पहले जो ग्लूकोज है उसके छोटे से हिस्से होते हैं, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ कंपाउंड दैट इज नोन एज पाइरूवेट। ठीक है, विच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, और जब ये फिर अगेन ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट, वो होती कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर क्या निकलता, क्या है, CO2H2O प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी का अमाउंट हायर होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन आइदर इन मसल सेल्स और आइदर इन यीस्ट। ठीक है, अब ये ऐसा लिखा है क्यों, तो उसका मतलब ये है कि अगर तो ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिटेड है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन वो क्या लिमिटेड में है, तब वहां पे क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। और जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, एब्सेंस है, तब वहां पे इथेनॉल निकलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब इसको और अच्छे से आप यहां से इसको क्या ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तो ऑक्सीजन हो तो वो रिएक्शन किस में होती है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन।
सेकेंड इंपॉर्टेंट उनका आउटपुट क्या निकलता है, एनर्जी का अमाउंट हाइयर होता है ठीक है, और उसके साथ में निकलता है CO2 प्लस H2O। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस हो मतलब हो ही ना, तो ये इट अकर्स इन यीस्ट और इसमें से निकलता क्या है, इथेनॉल निकलता है। एनर्जी तो हमेशा निकलनी निकलनी है ठीक है। और लास्ट पे आपके पास आता है कि अगर तो ऑक्सीजन क्या हो लिमिटेड हो, तो इट अकर्स इन मसल सेल्स और वहां पे निकलता क्या, लैक्टिक एसिड निकलता है ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम एक्सरसाइजेस वगैरह या हम रनिंग वगैरह लगाते हैं, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास अचानक से क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं, वहां पे लैक्टिक एसिड आ जाता है इस वजह से ठीक है, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है इस वजह से, वहां पे हमें क्या आती है थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो इसका भी एग्जाम में आ सकता है कि इफ अ पर्सन इज रनिंग एंड सडनली समथिंग हैपन टू इट, तो वहां पे हुआ क्या था, वहां पे उसके लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ था। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन जो आपके ह्यूमंस के अंदर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जो पिछला वीडियो था वो था ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आपके पास आया था डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस है, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज द ओपनिंग ऑफ द नोज, दैट इज नोन एज नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट जो आपके जो नोज का रास्ता होता है उसको हम कहते हैं नेसल कैविटी। नेक्स्ट जिस रास्ते से एयर जो अंदर जाती है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। नेक्स्ट इज फेरिंग्स, जहाँ से आपके क्या होते आवाज निकलती है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया विच इज अटैच टू लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या होते हैं छोटी छोटी ब्रांचिज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और उसके आगे जो सब पार्ट्स है दैट आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। देन वी हैव लंग्स एंड डायाफ्रेगम। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि इसमें एग्जाम में से आएगा क्या आपको। एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल्स, जो आपके होल्स होते हैं आपका जो नोज होता है उसको कहते हैं हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके अंदर हेयर्स वगैरह होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो उसको वहां पे ही रोक देता है। ऑक्सीजन देन पासिस फ्रॉम फेरिंग्स देन टू लेरिंग्स देन टू ट्रैकिया ब्रोंकी एंड उसके अंदर वो एंटर हो गया। किसके अंदर वो एंटर हो गया, इट एंटर्स इनटू द लंग्स। अब लंग्स जो हमारे ये हैं इसके अंदर ऐसी ऐसी क्या होती, छोटे छोटे ऐसे ऐसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी ये यहाँ पे क्या है, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रोंकियोल्स। तो उसके आगे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे जो स्फेरिकल सब्सटेंसेस लगे हैं दैट आर नोन एज एल्वोलाई, उसको हम कहते हैं एल्वोलाई। द एल्वोलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर से क्या होता है एक्सचेंज होता है। तो पेपर में आपको क्या आता है, ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, जहाँ से जो आपकी आरबीसीज है दैट इज रेड ब्लड सेल्स वो क्या लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो कौन सा है, दैट इज नोन एज एल्वोलाई। एल्वोलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जहां से क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ठीक है जी। और ये आपको याद करना है ये किस वे से एयर एंटर होती है, तो ये एज इट इज आपको एग्जाम में आ सकता है। राइट डाउन द एग्जैक्ट या करेक्ट सीक्वेंस इन विच एयर ट्रेवल्स इन टू द लंग्स, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा आपको इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज वट इज ब्रीदिंग, और इससे ही आपको डिफरेंस का पता लगेगा, वट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है ओनली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इस प्रोसेस को बोलते हो ब्रीदिंग। अब मैंने एंड पे बताया था हमारे पास एक सबसे जो एंड वाला होता है दैट इज कॉल्ड डायाफ्रेगम, वो क्या करता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार वो क्या करता है रिलैक्स। तो यू हैव टू सी व्हाट हैपेंस, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी जो छाती होती है वो क्या करती है एक्सपैंड हो जाती है,
है दैट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब हम सांस को बाहर लेते हैं तो हमारी जो छाती होती है वो अंदर की ओर हो जाती है और हमारा जो डायाफ्रेगम है वो क्या करता है रिलैक्स, ऑपोजिट है एज होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले हम बात करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे पहली चीज क्या होता है, वी हैव ह्यूमन ब्लड, उसका पहले तो आता है व्हाट इज द पीएच स्केल, उसका कितना होता है 7.4 इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट अब इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा, अब उसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब ये होता क्या है, जो लिक्विड पार्ट है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, इट कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ ह्यूमन ब्लड का जो हिस्सा है वो क्या है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ये जो आपका लिक्विड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट इज आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, इसका फंक्शन क्या, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स। ये क्या करता है, ये जो होते हैं आरबीसी हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ओनली। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज नोन एज डब्ल्यूबीसी, दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरीज, या आप बोल सकते हो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हमारे ऊपर ना हो, अटैक ना हो, उससे कौन बचाता है, दैट इज डब्ल्यूबीसी। एंड द लास्ट पार्ट इज प्लेटलेट्स, वो क्या करती हैं, वो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द लॉस्ट ऑफ ब्लड व्हेन एन इंजरी अकर्स, जब इंजरी हो जाती है तो इट हेल्प्स इन द, और आप इन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो वो क्या होता है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जो आपका जब भी इंजरी वगैरह हो जाए तो इस ये आपका जो ह्यूमन का ब्लड होता है उसको बाहर आने से रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है, इट कंटेन्स प्योर ब्लड, और ये हार्ट से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उस तक आता है। ठीक है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, जो वेन्स होती हैं इट कैरी इम्प्योर ब्लड, ये हमारे ऑल द ऑर्गन से हार्ट तक लेके आती हैं, और इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती, थिन होती है, तो इनके ऊपर भी एग्जाम में सीधे सीधे बन सकते हैं क्वेश्चंस। लास्ट इज ब्लड कैपिलरीज, जो क्या होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, विच एक्ट एज अ इंटरलिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जो क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को इकट्ठा, दे अगेन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज हार्ट, आपका जो हार्ट है उसके अवर जो आपका हार्ट ह्यूमन का हार्ट है, इट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट, उसका मतलब क्या है कि इसके फोर हिस्से हुए हैं, एक तो ये ऊपर वाला फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं उसको हम कहते हैं आर्ट्रियास, या हम कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है और आपके कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट इज लिम्फ्स, एक होते हैं लिम्फ्स, एक अनदर लिक्विड है जिसका कोई रंग नहीं होता, और इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स, आपको सिर्फ इतना याद करना, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स। नेक्स्ट आपके पास जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब दैट लिव्स ऑन द अर्थ, उनके अंदर जो हार्ट होता है वो कितने होते हैं, हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर्स। अगर मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल की बात हो तो उनके अंदर कितने होते हैं, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो उसके अंदर कितने होते हैं, टू होते हैं, और वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। और जो आपके फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है टक्कर थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन से भी होती है और लंग से भी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको पता है दे टेक H2O एंड CO2। जो CO2 है विच एंटर्स थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जो उनके कहाँ पे पड़ा होता है, लीव्स के ऊपर होता है, और जो H2 है वो एक्साइलम से कहाँ आता है, ऊपर की ओर आता है। तो एक्साइलम एक होता है, उसके अंदर एक्साइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सॉरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसके अंदर होते क्या ऐसे, इसके अंदर एक्साइलम एक होते हैं एक्साइलम वेसल्स और एक होते हैं ट्रकीड्स। अब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बाय विच मेथड जो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब द H2O फ्रॉम द सॉइल, उसका आंसर क्या है, डिफ्यूजन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है फ्रॉम द रूट हेयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, तो उसका फंक्शन क्या, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, बिकॉज एज यू नो लीव्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहां पे भी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो जो ग्लूकोज है वो लेके ऑल द पार्ट्स तक कौन लेके जाता है, दैट इज फ्लोएम। लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल जो आपके निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन से बाहर निकल जाए। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो उनके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होती है, और मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है इसके लिए। फॉर एग्जांपल हमारे जो आपकी वो हमारे अंदर जो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, वी हैव अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन दैट इज नोन एज किडनीज होती हैं, यूरेट्रा होता है, यूरेटर्स होते हैं, और ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, इट इज हेल्पफुल। अब देखो होता क्या है, जो आपकी किडनीज होती हैं इसके अंदर क्या होता है, इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जो आपका ब्लड होता है उसकी क्या होती है, फिल्टर होता है वो, और उसमें जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो ऊपर को आ जाता है, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स, वो किसमें इकट्ठा होता है, इन द यूरिनरी ब्लेडर, और वहां से जब हमें जब जितने टाइम तक हम रख सकते हैं उसको रखते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वी एक्सपेल इट आउट बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अब जो हमारी ये पेयर ऑफ किडनीज है इसके अंदर एक छोटा सा होता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स, जो क्या कहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होती है, हमारी फिल्ट्रेशन होती है। तो आपके पेपर में आ सकता है, नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द किडनी दैट हेल्प्स इन द फिल्टर, तो वो क्या करती है, दैट आर नोन एज नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखी है किसकी, नेफ्रॉन की, जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, आपको सिर्फ ये आने वाला है कि ऊपर क्या लगी होती है, ऊपर हमारे पास क्या होती है, वी हैव पेयर ऑफ किडनीज, देन इट इज यूरेटर, देन इट इज यूरिनरी ब्लेडर, और यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं लिक्विड वेस्ट मटेरियल। ओके, एब्जॉर्प्शन होके ये मटेरियल ऊपर हार्ट हार्ट तक अगेन वो आ जाता है। तो ये सारा यहाँ पे लिखा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ डज एक्सक्रीशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, मैंने अभी बताया, और जो एक्सेस की इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। और सम जो वेस्ट मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ लीव्स आपके जो उतर जाते हैं, वो जब आपका ये स्प्रिंग का सीजन आता था वो उतर जाते हैं, अपने लीव्स उतरते हैं, फ्रूट्स उतरते हैं, उनके बीच में से जो एक आपका लिक्विड सा सब्सटेंस निकलता है उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज रेजिन्स एंड हम्स, वो निकलते हैं, तो इनकी हेल्प से क्या निकलते हैं, जो उनके वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज लाइव प्रोसेसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव विद अस। आप ऐसे हमारे साथ वीडियो में आते रहें, और ऐसे हम आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ऑन द टॉपिक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड
बिफोर दैट आई विल टेक अ शॉर्ट एमसीक्यू बेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, तो आप उसको भी देखना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। थैंक यू सो मच।